close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और हम फिर आपके पास आपके साथ और हम फिर हाज़िर हो गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। पता है मुझे बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ वो उड़ गया है। और वैसे ही मैं उस पर इतने पैसे लगा चुका हूँ कि अब मेरा दिल नहीं हो रहा पैसे लगाने का। और आज हम आए हुए फार्म हाउस पे, और ये पीछे पार्टी चल रही लड़कों की, और मैं चलकर ब्लॉग बना रहा हूँ। और रात को आए थे हम लोग यहाँ पे, तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और बॉयज़ आए हुए हैं हमारे साथ, और इन्जॉयमेंट हो रही है फार्म हाउस पे, और फिर आपसे मिलते हैं, हम इन्जॉय करते हैं। कर यार उसामा बिलाल नहीं उड़ा यार पानी यार। हाँ नौमान, मजा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? मुस्तफा हाथ दिला दे भाई, ब्लॉग में आ रहे थे। तू भी फिर रोएगा, फिर तुम्हारे अगले लड़के की मैंने वीडियो बनाई, रोने धोने मचा दिया उसने। अबे नहीं डाल यार, मोबाइल में चले जाएगा यार। तो अब हम जा रहे हैं रिटर्न, और बहुत आज एंजॉय कर लिया हमने फार्म हाउस पे। व्लॉग कुछ अच्छा खास बना नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता व्लॉग बनाने वाला। मुस्तफ़ा होता है, वो भी अपने ही उसमें लगा हुआ होता है खेल कूद में, उसका भी इतना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं व्लॉग का, तो वो पीछे सब खड़े में। और जाने की तैयारी है, और फार्म हाउस को हम कर रहे हैं बाय बाय, और बस ये सीन चल रहे हैं। और ओगुसामा मज़ा आया आपको? नहीं आया? बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। तुमने तो सही पैसे वसूल किए आज। हम जा रहे हैं घर की तरफ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए फार्म हाउस की। फार्म हाउस आपको पता है अभी सीज़न चल रहा है, वायरस ख़त्म हुआ है, तो सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है फार्म हाउस वगैरह का, हर बंदा घूमने के लिए जा रहा है। तो हमें भी जाना था फार्म हाउस, पर हमने बुकिंग नहीं करवाई थी। अब हमें हफ्ते को जाना था, अब सैटरडे तो आपको पता है फुल होता है। तो हमने ये किया कि हम बकिया यूनिवर्सिटी वाली गली में आ गए, और हमने हर दरवाज़ा बजाया फार्म हाउस, इसके अंदर 35 फार्म हाउस होते हैं, दरवाज़ा बजाया। फिर हमने कहा कि भाई कोई फार्म हाउस खाली है तो वो हमें चाहिए, और हम 6-8-10 घंटे रहेंगे, तो अगर कोई खाली है तो हमें कर दो। अगर आप बाहर से बुकिंग करवा दो तो आपको पड़ता है 20,000 का, 25,000 का, और 30,000 का, 40,000 का। और अगर आप यहाँ आके बुकिंग करवाते हो तो आपको बहुत कम रेटों में पड़ जाता है। तो अच्छा तरीका था, पहला फार्म हाउस हमने देखा वो हमें पसंद नहीं आया। फिर हम इसके बाद आए पाम विलेज में, तो वो चौकीदार ने कहा कि हमारे बॉस साहब नहीं हैं, रात के बज रहे थे 4। तो हमने फिर कॉल की उनके बॉस को, उनके बॉस मान गए कम से कम पैसों में, और कहा कि अब सोते सोते भी कमा ही रहा हूँ,
तो क्यों छोड़ूं पैसे, तो उन्होंने हाँ कर दिया और बहुत ही बेहतरीन बजट में हमें फार्म हाउस मिल गया। और ये एक छोटी सी स्टोरी थी मैंने कहा वीडियो के एंड में आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड तक वीडियो देखते हैं तो ये आपके काम की बात है, तो वीडियो को एंड तक देखे कीजिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज में एंड में डालता रहूँगा जो आपके फ़ायदे की होगी, आपके जी आपके, ठीक है। तो फिर वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।